हेलो मैम, स्वागत है आपका टेली खजाना में। सीन के बारे में जानना चाहें, काफ़ी ड्रामेटिक सीन नज़र आ रहा है, आप काफ़ी गुस्से में हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुस्से में हूँ क्योंकि सोनाकच्छी की ना सिर्फ लड़की इस घर में आ गई है, बल्कि अब वहाँ पे काम करने वाली जो औरत है, जो प्रतिमा, जो नीरजा की माँ है, प्रतिमा, उसकी तेरहवीं भी इस घर में की जा रही है, बात चल रही है। तो मौशमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, वो होने ही नहीं दे सकती। इसके साथ देख रहे, जब आप काफ़ी गुस्सा करी थी, काफ़ी नीरजा को चिल्ला रही थी, अभी आके उनकी साइड ले लेते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये डीनो बात तो गलत है, हर बात में वो अपनी माँ के अगेंस्ट जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं सुन रहे। तो मौशमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मर जाने वाली बात है, क्योंकि उसका बेटा पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट जा चुका है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ नीरजा को सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये माँ बेटे के बीच में बहुत बड़ी दूरियाँ आ गई हैं। हाँ, माँ बेटे में बहुत बड़ी, एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एक माँ जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को दे देती है, और मौशमी के लिए तो अभी बहुत ही करीब था, क्योंकि एक सीन में कहा भी गया था कि वो सातवें महीने में पैदा हुआ था, तो पता नहीं था कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं। तो मौशमी ने अभी अपनी दुनिया बनाई थी पूरी तरीके से, और आज वो दुनिया उसकी पूरी तरह से ना सिर्फ मिल चुकी है, उससे छीन चुकी है। कहीं ना कहीं नीरजा अपने कदम आपकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करी, आपने एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्या कहना चाहिए? वो मौशमी की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो नीरजा तो है, दिल की साफ है, अच्छी लड़की है, बट फिलहाल मौशमी को वो नज़र नहीं आ रहा। बट वो नीरजा अपनी पूरी कोशिश कर रही है फिर से मौशमी का दिल जीत रही है। आज के बाद बाबा अपने लाडले से नफरत कर। सैड हुए पापा, बुरा लगा तुम्हें? शिफ्ट एंड कट।